नो, पैराथायराइड ग्लैंड आर इन टू पेयर, आर यू कैन से फोर इन नंबर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, एंड दीज आर स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड अलॉन्ग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड लोब्स इन द थायराइड कैप्सूल, एंड दे अपियर एज ए येलिश ब्राउन बॉडी सिक्रेट पैराथायराइड हार्मोन विच मेंटेन्स कैल्शियम लेवल बाय मोबिलाइजिंग द कैल्शियम फ्रॉम द बोन, हैंस इट वर्क्स अपोजिट टू द कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस बाय द पैराथायराइड ग्लैंड पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड। लोकेशन इनकी जो है वो, क्योंकि ये सुपीरियर और इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड पेयर के में होते हैं, सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड जो है इट लाइज इन द मिडल ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पैरा ऑफ द थायराइड एट द लेवल वेयर इन्फीरियर थायराइड आर्टरी क्रॉसेस द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। और चूंकि ये सुपीरियर जो है वो इनकी डेवलपमेंट होती है फोर फ्रेंजियर पाउच से, तो इस वजह से ये पैराथायराइड फोर कहलाते हैं, और इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड जो है इट लाइज ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर नियर द लोअर पोल बिलो द इन्फीरियर थायराइड ग्लैंड, और इनकी जो है वो चूँकि थर्ड फेरेंजियल पाउच से की डेवलपमेंट होती है, इस वजह से जो है ये पैराथायराइड थ्री कहलाते हैं। ये जो है ये सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड है, और नीचे जो है ये इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड है। अब इनका साइज जो है, दीज आर ऑफ स्मॉल साइज और मोस्टली जो है ये स्प्लिट पी के साइज़ के होते हैं। लेंथ इनकी 5 मिलीमीटर है, ब्रेथ 3 मिलीमीटर है, और थिकनेस जो है वो 2 मिलीमीटर है। ब्लड सप्लाई जो है इनको दो आर्टरीज, सुपीरियर पैराथायराइड आर्टरी और इन्फीरियर पैराथायराइड आर्टरी के थ्रू इनकी ब्लड सप्लाई होती है। अब सुपीरियर पैराथायराइड आर्टरी एनास्टोमोसिस से बनती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर थायराइड ग्लैंड से, और जो इन्फीरियर पैराथायराइड आर्टरी है वो आती है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से। डायग्राम में जो है ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ रही है, और नीचे से जो है वो सुपीरियर इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो है दोनों एनास्टोमोसिस बनाती हैं, जॉइन होगी, और जो है सुपीरियर पैराथायराइड आर्टरी के थ्रू सुपीरियर पेयर को आर्टीरियल ब्लड सप्लाई करेंगे, जबकि जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करेगी इन्फीरियर पैराथायराइड पेयर्स को। इस तरह से इनका जो वीनस ड्रेनेज है वो भी सुपीरियर मिडल और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी वीनस के थ्रू ही होता है। नर्व सप्लाई जो है इनको सिंपथेटिक फाइबर्स सुपीरियर और मिडल सर्वाइकल गैंगलिया से जो है वो मेनली सप्लाई किए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर इनका थोड़ा सा देख लिया जाए तो माइक्रोस्कोपिकली इनके जो हैं वो पैराथायराइड में दो तरह के सेल पाए जाते हैं। एक तो जो प्रिंसिपल सेल या चीफ सेल होते हैं, और वही जो हैं वो मेजर पॉपुलेशन बनाएंगे और सिक्रीट करेंगे, और ये ग्लैंडुलर सेल हैं और ये सिक्रीट करेंगे पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन को, जो कि कैल्शियम होमोस्टेसिस में इसका फंक्शन होता है। दूसरे सेल जो ऑक्सीफिल सेल्स हैं, ऑक्सीफिल सेल जो है माइनर पॉपुलेशन में, तो यानी कि कम नंबर में होंगे, और इनका फंक्शन जो है वो अभी तक अननोन है, नॉट क्लियर येट। चीफ सेल जो हैं वो रेंज होते हैं कॉर्ड या स्मॉल साइज में, लेकिन ये मेजर पॉपुलेशन बनाएंगे, और चीफ सेल इनके लार्ज न्यूक्लियाई होते हैं और इनके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो कम होता है, और चीफ सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से जो है ये लाइटली स्टेन होंगे, और स्लाइड में जो है ये हमें पर्पल स्टेन बॉडीज नज़र आएंगे। उसके कंपैरिजन में ऑक्सीफिल सेल जो हैं ये, इनके न्यूक्लियाई स्मॉलर होंगे और साइटोप्लाज्म इनमें ज़्यादा होगा, और ये डार्कली स्टेन बॉडीज हमें नज़र आएंगी स्लाइड में। ऑक्सीफिल सेल्स एंड प्रिंसिपल सेल्स, ये डायग्राम जो है क्योंकि थायराइड के साथ ये अटैच होते हैं, तो ये हमें थायराइड के फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो है ये पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड के जो है ये हमें चीफ सेल्स विद स्मॉलर न्यूक्लियस, और ऑक्सीफिल सेल जो है ये विद लार्जर न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं। फंक्शन इनका जो है मेन फंक्शन कैल्शियम होमोस्टेसिस है। अब कैल्शियम होमोस्टेसिस ये रिलीज कब होता है? पैराथायराइड हार्मोन लो ब्लड कैल्शियम लेवल, और ये क्या करेगा कि ब्लड
में कैल्शियम लेवल को जो है वो इंक्रीज़ करेगा। अब कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए पहले बात तो ये कि बोन जो है वो कैल्शियम डिपॉजिट क्या कैल्शियम बैंक के तौर पे काम करता है। तो ये सबसे पहले जो है ये इनका फंक्शन है कि ये बोन सेल के ऊपर एक्ट करेंगे और बोन सेल में से कैल्शियम को रिमूव करके रिलीज़ करके ब्लड में लेके आएंगे। दूसरा जो है ये कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन खास करेंगे रीनल फिल्ट्रेट में से, और इस तरह से ये ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो उसको इन्हांस करेंगे। थर्डली जो है ये कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको इंक्रीज़ करेंगे। अब इसको मैं अगर आपको इस डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो लो कैल्शियम लेवल के साथ रिलीज़ होगा, और ये जाके पहले ओस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर इनका पैराथायराइड हार्मोन जाके अटैच होगा और ये रिलीज़ करेगा लैंक रैंक एल या रैंक लाइगेंड। अब रैंक लाइगेंड जो है वो अटैच होगा ओस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर, जो रैंक रिसेप्टर होता है उसके ऊपर जाके अटैच होते हैं, और ये थ्रू सम केमिकल रिएक्शंस ये एक्टिवेट करेगा एक सीरीज ऑफ रिएक्शन जिसके थ्रू ये कैल्शियम ये जो है बोन रिजॉर्प्शन को का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अब बोन रिजॉर्प्शन बेसिकली क्या है कि बोन सेल का जिसकी डिस्ट्रक्शन है, जब बोन सेल की डिस्ट्रक्शन होगी तो ये रिलीज़ करेगा उनमें से कैल्शियम और फास्फेट को, और इस तरह से ये कैल्शियम और फास्फेट की जो है वो ब्लड में इनका लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। अगर एक दूसरा जो फंक्शन है कि ये किडनी के सेल के ऊपर जाके अटैच डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल के ऊपर जाके ये अटैच होंगे, उनके ऊपर रिसेप्टर मौजूद होता है पैराथायराइड हार्मोन का, और थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन ये एक प्रोटीन रिलीज़ करेंगे। वो प्रोटीन जो है वो उनके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ब्लश बॉर्डर के ऊपर जाके अटैच होगा, और ये कास करेगा रीनल फिल्ट्रेट में से जो कैल्शियम है उसकी रीअब्जॉर्प्शन को, यानी कि इनको सेल के अंदर लेके आएगा, और फिर इस तरह से ये सेल के अंदर से जो है ये कैल्शियम जाके दोबारा ब्लड में रिलीज़ हो जाएगी। थर्डली जो है इसका एक्शन होता है कि ये किडनी सेल के ऊपर एक्ट करेगा पैराथायराइड हार्मोन, और किडनी में से 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज का एक्सप्रेशन जो है वो उसको इंक्रीज़ कर देगा। अब इसका फंक्शन 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज का फंक्शन किस तरह से होगा कि स्किन के सेल में 7-डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रोल मौजूद होता है, उसके ऊपर जब लाइट एक्ट करती है तो वो CCF में यानी कि कोलीकैल्सिफेरॉल में ये कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी ब्लड में रिलीज़ होगी, और ब्लड से रिलीज़ के बाद ये जो है ये जाके लीवर में एंटर होगा। लीवर में एंटर होने के बाद इसके ऊपर जो है वो 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम एक्ट करेगा, और इसको 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल में इसको चेंज कर देगा। अब ये 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल किडनी में जाएगा, और इसके ऊपर जो है वो 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज जब एक्ट करेगा तो इट विल गिव राइज टू 125-DHCCF यानी कि 125-डाईहाइड्रोक्सीकोलकैल्सिफेरॉल जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की। अब ये विटामिन डी इंटेस्टाइनल सेल्स में जाके विटामिन डी के रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करेगा, और थ्रू केमिकल रिएक्शन डिफरेंट सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है ये कैल्शियम चैनल प्रोटीन रिलीज़ करेगा। अब कैल्शियम चैनल प्रोटीन क्या करेंगे, बोन के जो है वो इंटेस्टाइन के सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो जाएंगे, और ये जो इंटेस्टाइन में कैल्शियम आयंस होंगे उनको रीअब्जॉर्ब करेगा सेल के अंदर, और इंटेस्टाइन के सेल के अंदर और इंटेस्टाइन के सेल से जो है ये ब्लड के अंदर कैल्शियम दोबारा ब्लड में आ जाएगा। इस तरह से ये तीनों तीन मैकेनिज्म के थ्रू यानी कि बोन के ऊपर एक्ट करके विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में लाकर, और उसके उसके थ्रू जो है वो कैल्शियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन जो इंटेस्टाइन में से उसको इंक्रीज करेगा। थर्डली जो है ये किडनी सेल में से जो है वो कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन कास करेगा, और इस तरह से जो है वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करेगा।
और कैल्सीटोनिन के जो है वो जो कि पैराफोलिकुलर सेल्स में से रिलीज होता है, और कैल्सीटोनिन ऑपोजिट एक्ट करेगा पैरा थायराइड हार्मोन के, और कैल्सीटोनिन कब एक्टिवेट होगा जब ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तब रिलीज होता है कैल्सीटोनिन। और इसका काम क्या होता है कि ब्लड के में जो है वो कैल्शियम लेवल को बैलेंस किया जाए। अब ये जाके एक्ट करेगा ओस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर, कैल्सीटोनिन जाके एक्ट करेगा ओस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर उसकी और इसकी बोन रिजॉर्बिंग या बोन डिजॉल्विंग जो एक्शन है उसको कम कर देगा। ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है एक दूसरे के साथ इस तरह से काम करते हैं कि अगर ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो ओस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि अगर बोन रिजॉर्प्शन या बोन डिस्ट्रक्शन का अमल ज़्यादा है तो बोन फॉर्मेशन का अमल कम हो जाएगा, और अगर बोन फॉर्मेशन का अमल बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो बोन जो बोन डिजॉल्व होने का अमल है वो कम हो जाएगा। इस तरह से कैल्सीटोनिन जाके ओस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर जाके एक्ट करेगा और इसकी बोन रिजॉर्प्शन के जो इसकी प्रोसेसेस हैं उसको जाके स्टॉप कर देगा, और इस तरह से जो है वो बॉडी में बोन फॉर्मेशन का अमल ज़्यादा हो जाएगा, और जो ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है वो जाके बोन में डिपॉजिट होगी, और इस तरह से जो है वो बोन फॉर्मेशन का अमल होगा। इस तरह से जो दोनों हैं कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉइड हार्मोन एक दूसरे के साथ जो है वो एंटागोनिस्टिकली जो है वो एक्ट करेंगे। क्लिनिकल कोरिलेशन में हाइपो पैराथायरॉइडिज्म यानी कि हाइपोमीलेस एंड पैराथायरॉइडिज्म यानी कि पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथायरॉइड हार्मोन की कम सिक्रीशन होगी, लेस सिक्रीशन होगी, और ये किस केस में होता है कि जब इनका जो है वो इन एडवर्ट रिमूवल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी, थायराइड ग्लैंड के रिमूवल के साथ जो है वो पैराथायरॉइड ग्लैंड के भी जो है वो रिमूव कर दिया जाता है तो बॉडी में जो है वो पैराथायरमोन की रिलीज जो है वो कम हो जाती है, और इसके कुछ सिम्टम्स जो हैं टेटिनी है जो कि ड्यू टू लो ब्लड कैल्शियम लेवल है, इसकी वजह से जो है न्यूरो मस्कुलर एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होगी। टैटनी के कुछ जो हैं अगर हम देखें कि उसकी इंडिकेशंस क्या आती हैं कि उसमें इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन हो जाएगी, कन्वल्जन्स प्रोड्यूस होगी, कार्पोपिटल यानी कि हैंड और फुट में सवेयर पेनफुल क्रैम्प्स पैदा हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है, इस हाइपर पैराथायरॉइडिज्म जो है ड्यू टू ट्यूमर ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, और ये काज करता है इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल की वजह से जो है वो स्टोन फॉर्मेशन भी किडनी में हो जाती है, और बोन से चूंकि कैल्शियम रिलीज होगा इस वजह से जो है वो बोन वीक हो जाएगी।